नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल गूगल गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं मार्को विनोको रूल। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस पहुंचा पाए। लेट्स स्टार्ट दिस रूल। हमारे पास केमिस्ट्री में दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल, एक होते हैं अनसिमेट्रिकल, दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल। ये जो दो तरह के कंपाउंड होते हैं, जब हम कहते हैं हमारी एल्कीन्स के साथ, बेसिकली ये जो मार्को विनोको रूल है ये एल्कीन्स के टॉपिक के साथ आता है प्लस वन में, उस टाइम पे पहली बार समझाया जाता है। जब भी हमारा कोई भी कंपाउंड एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी कंपाउंड है वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है, अगर वो एक आउटपुट है, सिंगल आउटपुट, ठीक है, सिंगल आउटपुट, आउटपुट सिंगल, तो उसको हम कहते हैं वो सिमेट्रिक है। अगर दो आती हैं, ठीक है, टू आउटपुट, तो हम उसको कहते हैं वो अनसिमेट्रिकल है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए लिखने से बचे, तो हमारे पास अगर दो आउटपुट है तो अनसिमेट्रिकल है, अगर एक आउटपुट है तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिकल है। ये जो अनसिमेट्रिकल का जो कंसेप्ट है, अनसिमेट्रिकल का, ये जो अनसिमेट्रिकल का कंसेप्ट है, इसी के आधार पे हमारे पास ये वाला रूल है। ये कहता है, मान लीजिए हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, प्रोपीन है। कहता है जब इसके साथ हमारा कोई भी कंपाउंड, ये क्या हो गया एल्कीन, कोई भी कंपाउंड, एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलते हैं HCl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, इसके ऊपर नेगेटिव साइन, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर नहीं पता इंडक्टिव इफेक्ट तो वीडियो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, इसके ऊपर नेगेटिव साइन, तो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आया है तो कहता है ये वाला खुद को अनस्टेबल महसूस कर रहा है। पाई पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहता है ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पाई बॉन्ड मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव। कहता है जब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो कहता है ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। अभी अगर दो आउटपुट आती हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास दो आउटपुट आती हैं, तो कहता है बात देखने वाली ये है कि इसको ऐसे लिखें H प्लस, इसके साथ भी H प्लस, ये जो H प्लस ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है H प्लस। कहता है इसमें से दो आउटपुट निकल सकती हैं, या तो मेरा H प्लस फर्स्ट कार्बन के साथ ज्वाइन हो, कहता है, या मेरे पास सेंटर वाले कार्बन के साथ ज्वाइन हो, या मेरे पास सेंटर वाले कार्बन के साथ ज्वाइन हो, ठीक है, मिडल कार्बन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जैसे हम कह ओके, तो अगर हम प्रोपीन के एग्जांपल लें, ये हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, तो बेसिकली यहाँ पे मिडल का ये बन गया है, तो मैंने इसलिए फिर से बनाया है। ये बेसिकली जो बताया गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास ये प्रोपीन है, प्रोपीन में हमारे पास जो लगने वाला ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमारे पास जो लगने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, या तो हमारा वो फर्स्ट कार्बन के साथ लग सकता है, या वो मिडिल कार्बन के साथ लग सकता है। तो कहता है इसको हम क्या कहेंगे, जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आया, ये इलेक्ट्रोफाइल आया है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड है। तो जैसे यहां पे आया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कहते हैं ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव आपस में रिपेल करेगा, ये मार्को वन रूल है, ठीक है। ये कब होता है, जब ये अनसिमेट्रिकल का केस होता है,
ठीक है, तो हमारे पास ये आया है, तो अभी ये हाइड्रोजन किसके ऊपर जुड़ेगा, तो ये हम कहेंगे हाइड्रोजन जो हमारा है वो मिडल वाले कार्बन के ऊपर, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट इच अदर, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन के ऊपर जाके CH3 बन जाएगा, पहले दो थे अभी ये हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये CH3 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ये हमारा जुड़ा फर्स्ट कार्बन के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये जुड़ा फर्स्ट कार्बन के ऊपर, ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन के ऊपर जुड़ा है। अभी अगर हम मान के चलते हैं हमारा मिडिल कार्बन के ऊपर जुड़े, तो यहाँ पे मान के चलते हैं अभी ये मिडिल केस वाला है H+, मिडिल का केस। हम मान के चलते हैं हमारे पास ये जो प्रोपीन है ये पहले ऐसे था, प्रोपीन का शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इस तरफ हुआ है, तो कहता देखने वाली बात ये है ये हमारे पास CH3 हो गया है, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, तो पॉजिटिव साइन। तो कहता अभी ये H पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये H पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो जोड़ने वाला हाइड्रोजन है वो मिडल में जुड़ जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे अभी CH2 पॉजिटिव। तो कहता अभी मार्कोवा रूल कहता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो कहता है जिसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट है, सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट है क्या, इंडक्टिव। तो कहता उस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कहता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी, इस तरफ शिफ्ट होगी, तो कहता इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी, इस तरफ होगी, मतलब ये जो स्टेबल महसूस कर रहा है दोनों तरफ से महसूस कर रहा है, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी महसूस कर रहा है केवल एक तरफ से कर रहा है। तो कहता इस रिजल्ट के कारण जो ज्यादा स्टेबल महसूस कर रहा है उसके ऊपर हमारा फास्ट रिएक्शन होगा, इसके ऊपर हमारा स्लो रिएक्शन होगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आएगा, ये हमारे पास मेजर आएगा, ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट आएगा। हाँ, इसके ऊपर जो कार्बन कटाइन बना है ये क्लोरीन के द्वारा, ये क्लोरीन के द्वारा हमारा यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो हमारे पास ऐसी आउटपुट आएगी, ऐसी CHCl CH3। तो दिस इज दी मार्कोवा रूल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हुआ था वो बेसिकली यहाँ पे जो बन गया था वो मिडिल वाला बन गया था, जब पहले मैं इस तरफ शिफ्टिंग करा था वो एक्चुअल में करेक्ट थी, तो हम फर्स्ट कार्बन पे बता देते हैं।